झांसी के स्थानीय होटल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि देश के उद्यमी और व्यापारी को एक फौजी और एक आईएएस की तरह ही सम्मान मिले, यही अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का संकल्प है और लक्ष्य है, जिसको पूरा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। और इस संकल्प को पूरा करने में देश के शिक्षक बाल मजदूर दिवस की तर्ज पर व्यापारी दिवस घोषित कराया जाएगा। व्यापारियों ने बताया कि इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता भी हो चुकी है और उनकी सहमति भी मिल चुकी है। यह विचार आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संदीप बंसल ने झांसी के होटल बुंदेलखंड प्राइड में व्यापारियों के साथ एक सम्मेलन में व्यक्त किए। इस बैठक में झांसी के कई व्यापारीगण मौजूद रहे। किस प्रोग्राम का आयोजन किया गया? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से व्यापारियों से एक परिचय और भेंट कार्यक्रम है। ललितपुर में एक बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ की इकाई की घोषणा होनी है और झांसी में बहुत दिन हो गए थे आए हुए, तो यहाँ के हमारे प्रमुख व्यापारियों ने एक भेंट का कार्यक्रम रखा, उसी के निमित्त आज यहाँ पर आना हुआ है। झांसी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद है, बुंदेलखंड का मुख्यालय है एक प्रकार से। यहाँ पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की इकाई बने, इसके लिए आज एक संयोजक समिति हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। हर व्यापारी अपनी बात आसानी से माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक और व्यापार मंडल के मुख्य बैनर तक पहुँचा सके, इसके लिए ये पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। इस बात को कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान योगी जी की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्यमी यदि आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो अधिकारी स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो। जैसी कानून व्यवस्था इस समय बेहतर उत्तर प्रदेश में है, शायद आज से पहले किसी सरकार में नहीं रही। इसके अलावा व्यापार और उद्योग की दृष्टि से जो काम आज तक कभी नहीं हुआ, यहाँ तक कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो के अमृत महोत्सव का समय चल रहा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो करने का निर्णय लिया है कि जैसे देश में शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, मजदूर दिवस है, देश को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले, रोजगार देने वाले व्यापारी के लिए भी एक व्यापारी दिवस हो, सरकारी दिवस सरकारी तौर पर उसको आयोजित किया जाए, इसके लिए भी श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। तो हम लोग आज ये कहने झांसी में आए हैं कि झांसी में उद्योग और व्यापार खूब बढ़े, उसके लिए पूरी तरह से व्यापार मंडल जागरूक है और एक नई कमेटी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की झांसी में हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें अच्छे व्यापारी, समाज के हित में काम करने वाले व्यापारी, समाज और देश को प्राथमिकता देने वाले व्यापारियों को शामिल किया जाएगा और एक बहुत मजबूत व्यापारियों की इकाई का यहां पर गठन किया जाएगा। झांसी से मोहम्मद सैफ के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। स्पेस मून सिटी, जेडीए अप्रूव्ड, शहर के प्रदूषण से मुक्त, हरे भरे शांतिपूर्ण वातावरण में बनाए अपना आशियाना। स्पेस मून सिटी झांसी का सबसे आधुनिक 24 एकड़ में विस्तृत वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, 3-tier सिक्योरिटी, 24 घंटे पावर बैकअप, बेसमेंट कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एंड प्ले एरिया, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट के साथ लग्जरी प्रीमियम विलास, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्लब, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, हाई क्लास जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। बुंदेलखंड की पहली ऐसी टाउनशिप जहां आपको मिलेगी रिसॉर्ट वाली फीलिंग, आलीशान लिविंग स्टाइल के लिए चुने स्पेस मून सिटी, भगवंतपुरा रोड, झांसी। स्पेस मून सिटी।